1200 सालों से 45 डिग्री पर अटका हुआ कृष्णा बट, ये एक ऐसा रहस्यमी पत्थर है जो स्वर्ग से गिरा है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम के पास है यह रहस्यमयी पत्थर। इसे कृष्णा बटर बॉल से जाना जाता है। यह पत्थर 1200 सालों से भी अधिक समय से तिरछी ढलान पर अटका हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका संस्कारी मनुष्य में। यहाँ आपको हिंदू धर्म, कर्म और आस्था का अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पत्थर को देखने के बाद आपको लगेगा कि अगले ही पल पत्थर आगे की तरफ लुढ़क जाएगा। आंधी तूफान और लाख कोशिशों के बावजूद भी यह पत्थर अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। कृष्ण बटर बॉल। 1200 सालों से यह पत्थर अपने आप में ढेर सारे रहस्य लिए हुए हैं। इसको देखकर ऐसा लगता है कि अगले ही पल आगे की तरफ लुढ़क जाएगा। इस पत्थर से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब न होने के कारण यह रहस्य आज तक बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में यह पाया कि इस पत्थर का झुकाव 45 डिग्री है, तो आखिर इतना ज्यादा झुका होने के बाद भी यह क्यों नहीं गिर रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही मन में आता है। मनुष्य स्वभाव का चंचल है। उसने इतिहास में अनेकों बार इस पत्थर को हटाने की कोशिश की, मगर वे असफल रहे। इस पत्थर ने कई आंधी तूफान, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना किया, मगर यह अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हटा। क्या सच भगवान कृष्ण का मक्खन है यह पत्थर? स्थानीय लोगों के अनुसार यह पत्थर कोई सामान्य पत्थर नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्णा का मक्खन है जो स्वर्ग से गिरा है। समय के साथ यह पत्थर में बदल गया है। विज्ञान के सारे नियम फेल। कृष्णा बटर बॉल में काफी ज्यादा बड़ा है। इसकी ऊंचाई करीब 20 फुट, चौड़ाई 5 फुट है। इसका वजन 250 टन है। विशाल पत्थर 1200 से 4 फीट ऊंची ढलान पर अटका हुआ है, वह भी 45 डिग्री के कोण पर। अन्य सामान के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। बाकी सभी पत्थर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से नीचे आ जाते हैं, मगर उस पत्थर के साथ ऐसा नहीं होता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि भौतिक विज्ञान पत्थर के आगे फेल है। कृष्णा बटर बॉल की हर कोशिश बेकार। जैसा कि आपको पता है, मनुष्य चंचल स्वभाव का है। उसके मन में हमेशा यह बात खटकती है कि आखिर यह पत्थर क्यों नहीं हटता। इसके लिए इतिहास में कई बार इसे हटाने की कोशिश की गई। क्या वे सफल रहे? चलिए अब मैं कुछ किस्सों के बारे में जानते हैं। पल्लव वंश के राजा की नाकाम कोशिश। एक बार पल्लव वंश के किसी राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह इस पत्थर को हटा दे। सैनिकों के काफी कोशिश के बावजूद भी वह इस पत्थर को एक इंच भी नहीं निकला पाए। अंत में राजा ने हार मान ली और उस पत्थर को वैसे ही रहने दिया। अंग्रेज गवर्नर की नाकाम कोशिश। सन 1960 में चेन्नई के गवर्नर को इस स्थान पर कुछ निर्माण कार्य करवाना था। उन्होंने इस पत्थर को हटाने का आदेश जारी किया। काफी कोशिशों के बाद भी इस पत्थर को नहीं हटा पाए। अंत में उन्होंने 7 हाथियों का सहारा लिया। उन्होंने एक साथ 7 हाथियों से इस पत्थर से खींचवाया, मगर फिर भी यह टस से मस नहीं हुआ। अंत में उन्होंने भी हार मान ली और अपना इरादा बदल दिया। कृष्णा बटर बॉल का विज्ञान क्या है? इस रहस्यमयी पत्थर के पीछे का विज्ञान शायद ये हो कि दरअसल घर्षण और गुरुत्वाकर्षण का आपस में संतुलन ही इस पत्थर को ऐसी स्थिति में सैकड़ों सालों से रखे हुए है। घर्षण पत्थर को आगे फिसलने से रोकता है और गुरुत्वाकर्षण बल चट्टान के एक निश्चित हिस्से पर केंद्रित है, इसलिए यह अद्भुत संयोग बना है जिसकी वजह से पत्थर अपनी जगह से नहीं हिलता है और ना ही आगे की तरफ लुढ़कता है।
यहाँ आने वाले पर्यटक मुख्य रूप से अपनी फोटो खिंचवाने ही आते हैं। वह पत्थर के नीचे खड़े होकर ऐसा प्रतीत करते हैं कि वे इस पत्थर को उठाए हुए हैं और उस स्थिति में फोटो खिंचवाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ दी गई जानकारी से अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।